ब्रिस्टल में बारिश थम गई, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होने के इम्कानात रोशन हो गए, लेकिन ये फैसला एम्पायर ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं साकी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी सिनेबल कर लीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो भैया पाकिस्तानी और श्रीलंकन टीम के खिलाड़ी भी स्टेडियम पहुँच चुके हैं, एम्पायर्स और ग्राउंड स्टाफ मैदान और पिच का मुआयना करने में मसरूफ़ है। तफसीलात के मुताबिक ब्रिस्टल में बारिश थम चुकी है, इसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। बताया गया है कि पाकिस्तान और लंकन टीम के खिलाड़ी भी ब्रिस्टल के मैदान में पहुंच चुके हैं, जबकि एम्पायर और ग्राउंड स्टाफ पिच और मैदान का मुआयना कर रखे हैं। मजीद बताया गया है कि ब्रिस्टल में अगले 2 घंटे मतलब साफ रहेगा, यानी यहाँ पर बारिश अगले 2 घंटे में नहीं होगी। इससे कबल मुसलसल बारिश के बाइस टॉस भी तखीर का शिकार हो चुका है था, जबकि बारिश के रुकने के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे थे। महकमा मौसमियात की पेशगोई को सामने रखा जाए तो बारिश की वजह से दोनों टीमों को जोर आजमाए के लिए बहुत कम वक्त मुयसर होगा, इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि एक रोज़ा मैच में कम से कम कितने ओवर्स का खेल जरूरी है। वर्ल्ड कप के कवायद ज़वाबित को मद्देनजर रखा जाए तो बारिश या मौसम की खराबी की वजह से मुतासर मैच कम अज़ कम 20 ओवर का होना लाजमी है। इससे कम ओवर्स हो तो टाई करार देकर दोनों टीम को 1-1 पॉइंट दिया जाता है।